पॉइंट से लीड कर रहे हैं गुजरात फॉर्चून जायंट्स। बेंगलुरु बुल्स ने कल सुपर टैकल की सिचुएशन में जबरदस्त प्रदर्शन किया था, कुल मिलाकर 5 सुपर टैकल। और यहां भी सुपर टैकल ऑन है, डाइव लगी है महिंदर की, सुपर टैकल की शुरुआत, महिंदर सिंह छा गए। जबरदस्त तरीके से इन डिफेंडर्स को उन्होंने संवारा है, सजाया है। गुजरात बदला ले रहा है रिवेंज डे के दिन। पवन शेरावत आखिरी कुछ मिनटों में, लेकिन गुजरात का डिफेंस आज रहा हुआ, क्योंकि उनका कोच शेर दहाड़ रहा है, मनप्रीत सिंह दहाड़ रहे हैं। और यह है परवेश महेशवाल, जिन्होंने इतिहास में सिर्फ दूसरी बार आउट किया। नीचे गए, एक हाई पकड़ी, जहां से वो घर से लगती है वहां से पकड़ी, फिर सारी तरफ से सपोर्ट आया। और हम ये भी आपको बता रहे हैं कि फजल के सामने सिद्धार्थ देसाई हैं, दो पूर्व टीममेट्स आज एक दूसरे के आमने सामने हैं। लेफ्ट कवर पर नए खिलाड़ी मौजूद हैं, संदीप परवाल राइट कॉर्नर पर आ चुके हैं। फजल बनाम से सुल्तान ने बाजी मार ली, पहली मर्तबा चित किया है। इससे पहले ऑल आउट हो चुकी है यू मुंबा, सबसे ज्यादा बार विपक्षी टीम को ऑल आउट किया है यू मुंबा ने। यहां पर डैश कर दिए गए, आउट ऑफ बाउंस, सुपर टैकल, सुपर टैकल, एक नहीं दो पॉइंट्स। सांस थोड़ी ज्यादा आसानी से आने लगी है, क्योंकि सुरेंद्र पाजी ने पहला कामयाब टैकल किया, क्योंकि दीपक नरवाल एक ही जगह जड़ होके खड़े रहे। एक डिफेंडर को अंदर लाया गया है, यहां पर सुपर टैकल, यहां पे दो पॉइंट्स मिलेंगे पुनेरी पल्टन को, सब्स्टिट्यूशन का फायदा हुआ। सुपर टैकल का मतलब यह है कि जब तीन या उससे कम डिफेंडर बचे वहां, अगर टैकल कामयाबी से हो तो एक नहीं दो पॉइंट मिलते हैं। और ये काम किस खिलाड़ी ने किया, उसका नाम है बाला साहेब। पुनेरी पल्टन भी उनकी तरह आखिरी 10 मिनट में जीत सकती है। क्या बैकहोल्ड है, मजा आ गया। आज शुभम शिंदे बेहतरीन खेले हैं, ये तीसरा टैकल पॉइंट है उनका, इतना जबरदस्त बैकहोल्ड। वो डाई रेड थी, रिस्क रेडर को लेना था, लेकिन रिस्क लिया डिफेंडर शुभम शिंदे ने। अनूप ने कहा शाबाश, मजा आ गया, बाई तरफ छुप कर गए, ये एस्केप का नमूना था। और ये सुपर टैकल का नमूना है, सुपर टैकल, टू पॉइंट, हरियाणा किलर, बेहतरीन। पुनेरी पल्टन की मुश्किलें बढ़ती हुई, सुपर टैकल के क्योंकि दो पॉइंट मिलते हैं, जो लीड हरियाणा की साफ की बनी थी वो अब नौ की हो गई है। बाहुबली सिद्धार्थ देसाई को बाहु का बल दिखाना पड़ेगा। यू मुंबा 3 टैकल पॉइंट, 7 रेड पॉइंट, सिद्ध देसाई फिर से आउट, तीसरी बार आउट, 1 पॉइंट यू मुंबा। सचमुच यू मुंबा की डिफेंस खेल रही है, देखिए किस तरह से संदीप परवाल बिल्कुल सामने आए, पूरे सिद्धार्थ देसाई के बॉडी फोर्स को अपने सर पे पीछे तरफ लिया। सुपर टैकल सिचुएशन ये है, जब तीन या कम डिफेंडर बचे तब रेडर पकड़ा जाए तो एक नहीं दो पॉइंट मिलते हैं। और सुपर टैकल रेड में फिलहाल मंजीत छिल्लर, टैकल में एक नहीं दो पॉइंट्स मिलते हैं। मंजीत छिल्लर प्रो कबड्डी के इतिहास में 300 टैकल पॉइंट का आंकड़ा पार करने वाले वाहिद डिफेंडर हैं। ये बताता है कि इस खिलाड़ी में कितना दमखम है। वो आउट हो गए हैं, अब सुपर टैकल ऑन है, प्रदीप नरवाल सुपर टैकल का शिकार, आशीष सांगवान कमाल कर दिया काके, प्रदीप को निकलने की किसी भी गुंजाइश को रद्द कर दिया। नंबर 10 आशीष सांगवान साथ में बंटी, नंबर 5 जो नए खिलाड़ी हैं, ये बिल्कुल वेस्ट होल्ड था, ये बिल्कुल कुश्ती का मूव था। रेसलिंग में अगर ओलंपिक में आप देखें तो 4 पॉइंट मिल जाते हैं।